शाही पनीर पाई बनाने के लिए सबसे पहले हम पाई के डो की तैयारी करेंगे। डो बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मैदा, इसी में हम 100 ग्राम बटर डालेंगे। अब हम इसे इसमें अच्छी तरह इस तरह हम इसे अपने हाथों से बटर को अच्छी तरह मैदे में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बटर बिल्कुल अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो गया है। अब हम इसमें कोल्ड वाटर डालेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो अब हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे ढककर फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हम पाई की फिलिंग की तैयारी करेंगे। पैन अब हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, ग्रीन चिली, बारीक कटा गार्लिक, ग्रेट किया हुआ अदरक, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। गार्लिक और चिली अब हमारा भून चुका है, हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें एक बारीक कटा बड़ा प्याज डालेंगे। अब हम इसी में ग्रीन पीस डालेंगे और इसे 5 मिनट ढककर पकने देंगे। अब हम इसी में बारीक कटा टमाटर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा भुना जीरा और धनिया का पाउडर, थोड़ी सी गोल काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून शाही पनीर मसाला। अब हम इसे अच्छी तरह इसमें भून लेंगे। अब हम इसी में ग्रेट किया हुआ पनीर डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसमें और इसे 2 मिनट तक ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। अब हम इसमें थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। अब इसे हम 2 मिनट तक ढककर पकने देंगे। ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया पत्ता। पाई की फिलिंग तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम पाई के डो की तैयारी करेंगे। अब हम इसे बेल लेंगे। जितना बड़ा आपका पाई ट्रे है उस साइज से आप इसे बेल लीजिए। पाई ट्रे को मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है। अब हम डो को इसमें डालेंगे। इस तरह से इसे दबाकर चारों तरफ से अच्छी तरह सेट कर लेंगे। अब हम इसमें फोर्क की सहायता से इस तरह इसमें छेद कर लेंगे ताकि ये फूले ना। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम इसे बेक होने के लिए रखेंगे। अब हम इसे कॉन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। डो अब हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें पाई की फिलिंग्स डालेंगे। इसे अच्छी तरह इसमें स्प्रेड कर लेंगे। ऊपर से चीज ग्रेट करके रखेंगे।
ऊपर से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। अब हम इसे फिर से बेक होने के लिए डालेंगे। कॉन्वेक्शन मोड पे 15 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे। शाही मटर पनीर पाई तैयार है अब हमारा। अब हम इसे निकाल लेंगे। ऊपर से थोड़ा चीज स्प्रेड डालेंगे। धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। तो ये लीजिए शाही मटर पनीर पाई तैयार है। तो अब आप भी कुछ इंटरेस्टिंग ट्राई कीजिए और इसी तरह पोषण एंड क्राफ्ट के साथ बने रहें। और पोषण एंड क्राफ्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।